हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, और ये हमने डेढ़ कटोरी दही ली है और इसको मैश करेंगे। मैश करने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। यह अच्छी तरह मैश हो चुकी है और अब इसमें डाल रहे हैं हम बेसन, 2 चम्मच बेसन। और हम इसको भी अब मैश कर लेंगे। आज बहुत बढ़िया स्वादिष्ट कढ़ी बनाने जा रहे हैं। अच्छी तरह मैश कर लें, बीच में गांठ वगैरह ना बने। बेसन और दही को देखिए अच्छी तरह मैश हो चुकी है। थोड़ा और इसको चलाते हैं और इसमें डालेंगे पानी। जितना आपको कढ़ी बनानी है उस अनुसार इसमें पानी डालें। हम इसको थोड़ा और मैश कर लेते हैं। और अब हम अपना गैस चालू करने लगे हैं। और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाएंगे इसको। 2 चम्मच लगभग सरसों का तेल डालेंगे। थोड़ा और डाल लेते हैं। इसको हम गर्म होने देंगे। इतना गर्म होने के बाद इतना गर्म हो जाता है ये सरसों का तेल, फिर इसमें डालते हैं हम अपने घोल में 1 चम्मच सेंधा नमक और 1/2 चम्मच हल्दी का डाल रहे हैं। और इसको अब अच्छी तरह मैश करेंगे। मसाले हम साइड में रख देते हैं। इसका बेस ही तैयार करना बहुत जरूरी है अच्छी तरह से, तभी हमारी कढ़ी बहुत स्वादिष्ट बन पाएगी। ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और उधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अपना थोड़ा हींग और उसके बाद मेथी। और इसमें कड़ी पत्ता और तेज पत्ता भी डाल रहे हैं। और साथ में अदरक और अपना लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और हम इसको 3 ग्राम मिक्स कर रहे हैं।
पास में अब इसको अपने घोल को अपने कढ़ाई में डाल रहे हैं। इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करते हैं। थोड़ा हमने गैस चालू कर दिया है और इसका मिक्स कर रहे हैं। हमारा घोल बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुका है और इसको चलाते रहेंगे। और अब हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े। और ये हमारा प्याज ले गया है, ये अपने गार्डन का ही है। प्याज को भी कट कर लेंगे। पकौड़े बनाने के लिए देखिए हम कितना इसको बारीक काट रहे हैं। प्याज को प्याज के पकौड़े बनाएंगे। और हमने अपने प्याज कट कर लिए हैं, देखें कितने बारीक। और इसमें हम अपना बेसन डालने जा रहे हैं, 2 चम्मच बेसन के डाल देंगे। और इसमें थोड़ा पानी डालते हैं और इसमें अपना डाल देंगे सेंधा नमक 1 चम्मच, ये अपना धनिया पाउडर और ये थोड़ी हल्दी डाल रहे हैं और साथ में कश्मीरी मिर्च, ये हमने मेथी भी डाल दी है 1 चम्मच, जिससे इसका स्वाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। और हमने घोल को भी मिक्स कर रहे हैं पकौड़े बनाने के लिए। इधर हमारी हमने तेल डाल दिया है पकौड़ों के लिए और हमारी कढ़ी भी इधर रिजनी स्टार्ट हो चुकी है। देखें हाँ जी, हमारी कढ़ी देखें उबलना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी कढ़ी बनते हुए कढ़ी में उबाल आ चुका है। और इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है पकौड़ों के लिए। हमारे पकौड़े बनते हुए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और इधर हमने कढ़ी को ढक दिया है और ये भी अच्छी तरह रिज रही है। थोड़ा इसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा, थोड़ा इसको ढक के ही रखते हैं। हमारे पकौड़े बनते हुए और हम अपने पकौड़ों को थोड़ा पलट रहे हैं। हमारे पकौड़े बहुत बढ़िया से बन रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी
और हमने अपना गैस भी चेंज कर लिया, यहाँ तेज आंच पे रखा है और इधर कड़ी हमने रख दी है, उबाल उबल रही है और देखें पकौड़े कितने क्रिस्पी बनते हुए। पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, देखें कितने बढ़िया बने हैं, क्रिस्पी। और इधर हमारी कड़ी भी बन रही है, जी हमारी लगभग कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें अपने पकौड़े डाल रहे हैं। और हम इसको पकौड़े मिक्स कर रहे हैं इसमें और कम से कम थोड़ी देर और पकाएंगे इसको, जिसका इसका टेस्ट और बन फिर बढ़िया से आए। देखें कितनी बढ़िया कढ़ी बनी है, कढ़ी पकौड़ा रेसिपी। और साथ में इधर बनाए हैं हमने चावल, कढ़ी चावल की डिश बनकर तैयार। पकौड़े मिक्स कर दिए हैं और इनमें अब अपना कड़ी मिक्स हो जाएगी। देखें कितनी अच्छी से उबल रही है, कट रही है। जितनी कड़ी को काटेंगे उतने ही इसमें टेस्ट आएगा। देखें बहुत अच्छी कड़ी बनते हुए। कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार रेसिपी।